ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में लगी इस आग ने काफी तबाही मचाई है। एक पेंट दुकान में लगी इस आग ने 7 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। दरअसल इस पेंट की दुकान के ऊपर बने कमरों में 2 परिवार रहते थे जो आग की चपेट में आ गए। ये सर आग लगी, हम अंदर घुस के देखा, घू के अंदर 3 बच्चे 2 महिला पूरी जलती थी। पीछे से किस तरीके से निकाला, जेसीबी से फोड़ा क्या? नहीं, वो पहले पैसे निकाल लिए। 2 महिला जो अंदर ज्यादा फंसी हुई थी भूमि में, उनको जेसीबी द्वारा। अभी भी और लोग फंसे होंगे? कितने लोग टोटल निकले? टोटल 2-4, 8 लोग। और डेथ कितने की हो गई? कितने बच्चे हैं? 6 की तो डेथ मान के। कितने बच्चे? एक बच्चा सही है और 1 महिला जो बाद में निकाली है उसकी साथ चले गई अस्पताल। टोटल 7 लोग हैं या 6 लोग? अभी टोटल डेथ 7 लोग। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए सेना के जवानों को भी बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने मकान के पीछे की दीवारों को तोड़कर उसमें फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और 7 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। दुखद घटना है जो थाना इंद्रगंज क्षेत्र में इंद्रगंज चौराहे के मेन जो गली है उसमें हुई है, चौराहे के पास में ही। और करीब मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया होगा। लॉकडाउन के चलते हम सब लोग ग्राउंड पे ही थे। पूरा फोर्स तत्काल, यहाँ जैसी खबर लगी है विदिन 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई है मौके पे। 2-3 फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई थी, उसके बाद लगातार फायर ब्रिगेड आ रही है। एसपी सर भी मौके पे आ गए, नगर निगम आयुक्त साहब पूरा अमला लेके मौके पे हैं। लेकिन ये 3 मंजिल का मकान जो आपको दिख रहा होगा जिसमें आग लगी है, तो शुरू से ही इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद अंदर जा पाना और मदद कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब लगभग जो आग है उस पर काबू पा लिया है। बहुत देर से हमारी टीम उसमें के लोग और कुछ पब्लिक के लोग भी अंदर थे। इसमें से 5 लोगों को निकाला है, जिसमें 1 बच्ची की हालत थोड़ी सी ठीक लग रही है, बकाया बहुत गंभीर स्थिति है। अब इसमें मैंने कहा अभी 5 लोगों को निकाला है, इसमें 1 बच्ची है उसको पहुँचाया है हॉस्पिटल, वो थोड़ी ठीक लग रही थी। 4 लोगों की स्थिति बहुत बहुत नाजुक थी और हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया है। सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ सहित सभी नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।